माई चैनल आई माया इब्राहिम। वेल आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा हाईली 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 रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझसे काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि माया कोई बहुत अच्छी सी आई क्रीम के बारे में बताओ, कोई अच्छे सा आई क्रीम ट्रीटमेंट बताओ जो कि हमारे डार्क सर्कल्स को ट्रीट करे, कुछ ऐसी क्रीम बताओ जो हमारे विंकल्स को ट्रीट करे, ऐसी क्रीम बताओ जो कि हमारी पफिनेस को ट्रीट करे। तो आई वॉज लाइक कि यार ये तो बहुत कॉमन इशू है, ये तो सब लड़की का लड़के का हर किसी का इशू है, तो इसके पर ज़रूर काम करना चाहिए। और आप लोगों को कोई भी क्रीम सजेस्ट करने से पहले मुझे खुद अपने लिए जो है वो प्रोडक्ट जो है उसको रिव्यू करना चाहिए। तो आई वॉज लाइक यूजिंग दिस प्रोडक्ट फ्रॉम लास्ट 2 महीने से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और मैं इसके जो है अफेक्ट्स अब जाके देखना स्टार्ट कर रही हूँ 2 महीने के बाद कि ये किस तरह से काम कर रही है। और मैं यहाँ पे बता दूँ, मुझे डार्क सर्कल्स का इशू नहीं है, मतलब मुझे हल्की सी थोड़ी बहुत सी पफिनेस है अराउंड टू माई आईज़, और वो भी इस वजह से क्योंकि शायद मैं रात को सही से सोती नहीं हूँ। खैर बात ये, तो उस वजह से मुझे थोड़ी सी पफिनेस है मेरी लाइक आई के सराउंडिंग्स में, बट मुझे लगा कि ये ट्रीट हो जाएगा और इसके लिए मैंने काफ़ी सारी सर्चिंग की और फिर मुझे मिली एक बहुत अमेजिंग सी क्रीम जो कि आप लोग अब उसका रिव्यू देखेंगे। और यहाँ पे मैं बता दूँ, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिएगा ताकि आपसे मेरी वीडियो मिस ना हो। और दूसरी बात ये, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो में तो कीप ऑन वॉचिंग जी। तो ये ब्रांड सैफ्रन फार्मा की ये क्रीम है आई लॉक्सिल जिसका नाम है। इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह की है, ब्लू और सिल्वर कलर की ये है वो बॉक्स। रिव्यू है इस क्रीम के बारे में जिसका नाम है आई लॉक्सिल। वेल बड़ी डिटेल से मैंने इसकी शूट में आप लोगों को उसका नाम दिखाया, इसका बॉक्स दिखाया और ये सब चीज़ें इसकी बताई। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये जो है किस तरह से वर्क कर रही है। वेल किसी भी ट्रीटमेंट से पहले आप लोगों को क्या करना होता है, आप लोगों को पहले खुद एनालाइज करना होता है कि आप लोगों को जो है प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। जैसे मुझे पता है कि मैं रात को नहीं सो रही होती हूँ जिसकी वजह से मुझे जो है वो पफिनेस हो जाती है। काफ़ी सारे लोगों की डार्क सर्कल्स के प्रॉब्लम ये होती है कि वो लोग पानी नहीं पीते हैं। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो रातों को मोबाइल यूज़ करते हैं जिसकी वजह से जो है उनके डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, डिहाइड्रेट होते हैं वो लोग, और बहुत सी ऐसे इनहेरिटेजली भी होता है बहुत सारे लोगों का। तो खैर ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों को जो है डार्क सर्कल, पफीनेस, विंकल्स का तो आप लोगों को पता है कि आप लोग जो है लाइक अगर आप लोग एंटी एजिंग यूज़ नहीं कर रहे होते तो फिर आपकी आई के सराउंडिंग्स में जो है वो विंकल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं लाइक 28-29 के बाद से। तो आप लोगों को आई क्रीम यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब चीज़ें जो है अगर आप लोग करते हैं तो आप लोगों का लाइक 80% आप लोगों को जो है वो आई के सराउंडिंग्स में डार्क सर्कल, पफीनेस, विंकल्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिर भी हो जाती है तो फिर आपको ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। तो ट्रीटमेंट आपको किस तरह से करना है, पहले सबसे आप लोगों को ये वाली क्रीम ले लेनी है। ये क्रीम जो है 1190 रुपीज़ की है। 1190 रुपीज़ मतलब कि 1190 रुपये की, तकरीबन 1200 रुपये की ये है। और इसकी शिपमेंट्स अलग से हैं, 200 रुपीज़ इसकी शिपमेंट भी थी क्योंकि लाहौर से है और लाहौर से कराची आई थी मेरे पास। तरह का ये बड़ा लोकल साइज़ का ये बॉक्स है, कुछ इतना ख़ास बॉक्स नहीं है, बस इस तरह का इसका बॉक्स है। और इसके अंदर इसकी ट्यूब जो है वो इस तरह की ब्लू कलर की, आई थिंक 15 ग्राम, एक सेकेंड मैं बता देती हूँ, हाँ 15 ग्राम जो है ये ट्यूब है। और माशाल्लाह से अभी मैं 2 महीने से यूज़ कर रही हूँ तो अच्छी चल रही है क्योंकि मैं सिर्फ इसको रात में यूज़ करती हूँ। अगर आप लोगों के बहुत ज़्यादा सिवियर किस्म के जो हैं डार्क सर्कल्स हैं तो आप लोग दोपहर में भी इसे यूज़ करें, डे टाइम में भी यूज़ करें और रात को सोने से पहले यूज़ करें। मतलब आप लोगों को अगर डार्क सर्कल्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप लोग इसको दिन में 2 दफ़ा यूज़ करें। अगर थोड़ी बहुत डार्क सर्कल्स हैं तो आप लोग रात को सोने से पहले इसको लगाएं, ठीक है, ये आप लोगों को करना है। अब इसकी बात कर लेते हैं कि इसके रिजल्ट्स कैसे हैं। रिजल्ट्स जो हैं मैं 2 महीने के बाद देखना स्टार्ट कर रही हूँ। मुझे बहुत लाइक पफिनेस हो गई थी
2 महीने पहले, और मुझे लग रहा था यार ये तो अब कभी जाएगी नहीं, और एक दफ़ा अगर ये आई के सराउंडिंग्स में आ जाती है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इसे ट्रीट करना। मैंने होम रेमेडीज़ कर ली थी, वो बहुत स्लो प्रोसेस है। नेक्स्ट वीडियो में हम होम रेमेडीज़ के बारे में भी बात करेंगे कि आप अपने डार्क सर्कल्स जो हैं वो होम रेमेडीज से कैसे ट्रीट आउट कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगा कि मुझे हर चीज़ के बारे में ना बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। मैं जो हूँ वो आई डोंट नो, आई एम नॉट अ पर्सन कि मैं जो हूँ वो होम रेमेडीज़ करती हूँ उतनी ज़्यादा। मैं नहीं कर सकती होम रेमेडीज, आई एम नॉट अ पर्सन। मैं चाहती हूँ कि जल्दी से एक प्रॉब्लम है उसका जल्दी से सोल्यूशन होना चाहिए, तो मैं फ़ौरन से मेडिकेशन के ऊपर चली जाती हूँ। तो मैंने जब भी जो है ये क्रीम जो है ऑर्डर की थी, और जिसके रिजल्ट्स मुझे अब देखना दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा विजिबल रिजल्ट्स दिख रहे हैं कि मेरी पफिनेस जो है वो तकरीबन 40% जो है ख़त्म हो चुकी है। मेरी पफिनेस जो है वो 40% जो है वो ट्रीट अप हो चुकी है, और बाकी की भी इंशाल्लाह ताला वो भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मुझे इसका इस्तेमाल जो है वो नहीं छोड़ना है। मुझे हफ्ते में 2 से 3 दिन इसको फिर भी लगाते रहना है। अगर वंस आपके डार्क सर्कल्स ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन आपको हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा ऑल्टरनेटिव डेज पे आप लगाएं, तो फिर इस क्रीम को आपको छोड़ना नहीं है। किसी भी नाइट क्रीम को आपको कंप्लीटली तौर पर अगर आप ट्रीट अप हो जाते हो तो आपको नहीं छोड़ना है। आपको जो है उसको ट्रीटमेंट देते रहना है ताकि आप लोग जो है आपके डार्क सर्कल्स जो है वो रीजनरेट ना हो। और दूसरा, पानी सबसे ज़्यादा पीना है, रात को नींद प्रॉपरली लेनी है, लाइफ स्टाइल अच्छा करना है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स हेल्दी जो है आप लोगों को डाइट अपनी रखनी है, ये सब चीज़ें करनी है, जब जाके आप लोग को जल्द ही इफेक्ट्स मिलेंगे और ज़्यादा अच्छे इफेक्ट्स मिलेंगे। तो ये था आज का रिव्यू इस क्रीम के बारे में। और अगर आप लोग सोच रहे हैं किसी अच्छी आई क्रीम के बारे में, तो मैं इसका ज़रूर आप लोगों को रिकमेंड करूंगी। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी आई क्रीम्स जो है वो ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे इतने अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो नहीं मिले, नहीं मिले, और वो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। आई क्रीम्स वैसे ही इतनी एक्सपेंसिव होती हैं, तो आप लोग थोड़ा स्मार्टली उसके साथ प्ले करो और एक अच्छी आई क्रीम के ऊपर इन्वेस्ट करो, रादर देन कि आप कुछ भी ले लो और फिर उसे लगाओ सिर्फ ब्रांड के नाम सुन के। तो आप लोग किसी अच्छी मेडिकेटेड आई क्रीम के ऊपर जाओ, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी दिस आई लॉक्सिल। ठीक है जी, तो ये था आज का मेरा रिव्यू इस क्रीम के बारे में। आई होप कि आप लोगों को इस क्रीम से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, और इंशाल्लाह ताला ज़रूर होगा। लेकिन कंसिस्टेंसी आप लोगों को रखनी ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए। तो आप लोग इसको अपनी डाइट को अच्छी रखें, क्रीम को अप्लाई करें, और रात को जल्दी सो जाएं, जो कि बहुत मुश्किल है, आई नो। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप, अ बिग थम्स अप, गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप। आई सी यू गाइज ऑन टू माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।